दोस्तों एक इंटरेस्टिंग न्यूज अपकमिंग है स्मार्टफोन लॉन्चेज के ऊपर है। ऑलरेडी Xiaomi 13 की लॉन्च डेट कंफर्म हो गई थी, लेकिन Xiaomi 13 का जो लॉन्च डेट है वो पोस्टपोन हो गया है एंड अभी इसकी कंफर्मेशन बाहर नहीं आई कि कब तक यह लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा IQ 11 सीरीज भी दिसंबर 2 को लॉन्च होने वाला था, उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है, देखते हैं वो कब तक आने वाला है। लेकिन IQ 11 प्रो का जो स्पेसिफिकेशन है वो भी बाहर आ चुका है। इसमें 4700 mAh की बैटरी के साथ आपको 200 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो पहले लीक्स आ रही थी एंड कंफर्म हो गया है। तो IQ 11 Pro की जो प्राइस है वो भी तकरीबन आपको 50 से 60,000 के रेंज में ही चाइना में लॉन्च होते हुए दिखने वाला है। साथ में यह फोन भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट पर लॉन्च होगा। तो वेलकम बैक दोस्तों, हर रोज की तरह आज की भी टेक न्यूज़ काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आज मैं आपके लिए बढ़िया-बढ़िया टेक न्यूज़ ढूंढ कर लाया हूं। तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक वॉच करके जाना एंड साथ में अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत भूलना। तो सीधा चलते हैं नेक्स्ट टेक न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ की बात की जाए तो वो Samsung की तरफ से निकल के आ रही है। अभी मार्केट में जो Samsung Galaxy Z Flip 4 मौजूद है उसके अंदर Samsung ने कवर डिस्प्ले के तौर पर 1.9 इंच की स्क्रीन साइज दे रखी है, लेकिन अब ऐसी रूमर्स आ रही है कि जो Galaxy Z Flip 5 लॉन्च होगा उसके अंदर बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। कवर डिस्प्ले में तकरीबन 3.3 इंच नहीं तो 3.4 इंच की स्क्रीन साइज देखने को मिल सकती है एंड Samsung का ट्रेंड सेटर भी रहा है कि जितने भी फोल्डेबल स्मार्टफोन है उसमें कवर डिस्प्ले के तौर पर उतनी ज्यादा स्क्रीन साइज आपको नहीं अवेलेबल कराता है, लेकिन अब यह चेंज हो सकता है। इसके अलावा यह भी रूमर्स आ रही है कि Galaxy Z Flip 5 को न्यू हिंज डिजाइन के साथ लॉन्च किया जा सकता है, यानी जो फोल्डिंग डिस्प्ले है उसका जो क्रीज होगा उसको भी रिड्यूस किया जाने वाला है। इसके अलावा मैं कवर डिस्प्ले की बात कर ही रहा हूं तो जो Moto Razr 3 है उसके अंदर भी लगभग 2.7 इंच की कवर डिस्प्ले साइज देखने को मिलती है एंड Oppo Find N2 बहुत जल्दी जो चाइना में लॉन्च होने वाला है उसके अंदर भी लीक्स आ रही है कि 3 इंच से ऊपर की ही कवर डिस्प्ले साइज देखने को मिल सकती है। तो क्वाइट पॉसिबल है कि Galaxy Z Flip 5 के अंदर इंटरेस्टिंग चेंजेस होने वाले हैं। अगली न्यूज़ में बात करूं तो Infinix की तरफ से निकल के आ रही है। Infinix Hot 20 सीरीज को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है एंड दो फोन्स लॉन्च हुए हैं, एक तो Infinix Hot 20 5G एंड दूसरा Infinix Hot 20 Play। जो Infinix Hot 20 Play है वो अंडर 10,000 के प्राइस में लॉन्च किया गया है एंड इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज तकरीबन 9,000 के प्राइस में लॉन्च किया गया है। साथ में इसमें 3 कलर वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। वहीं पर मैं Infinix Hot 20 5G की बात कर लूं तो एक तो इसमें आपको FHD डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ में 120Hz का रिफ्रेश रेट एंड इसे Dimensity 810 चिपसेट पर लॉन्च किया गया है। साथ में 5000mAh की बैटरी है एंड पीछे की तरफ डुअल कैमरा का सेटअप है जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर एंड इसका जो प्राइस है बेस वेरिएंट तकरीबन 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज 12,000 के प्राइस में लॉन्च किया गया है। साथ में इसमें भी 3 कलर वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं एंड इसके अलावा दोनों ही फोन्स के अंदर 12 5G बैंड भी देखने को मिलते हैं। तो 12 से 13,000 का अगर प्राइस सेगमेंट देखा जाए तो Infinix की तरफ से Hot 20 5G भी एक अच्छी डील होने वाली है एंड मोस्टली आजकल जितने भी मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है उसमें आपको 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल ही रहा है। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका फोन कितना रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। अगली न्यूज़ की बात कर लूं तो वो Motorola की तरफ से निकल के आ रही है। Moto X40 भी बहुत जल्दी चाइना में लॉन्च होने वाला है एंड इसके रिगार्डिंग भी काफी कुछ अपडेट पहले ही मैं आपको दे चुका हूं। साथ में इसका जो फर्स्ट लुक है वो भी बाहर आया था एंड अब इसका जो बैक है उसका इमेज बाहर आया है जिसमें क्लियरली आप इसका कैमरा कटआउट देख सकते हो, स्क्विरिश लेआउट देखने को मिल रहा है। साथ में लीक्स ये भी आ रही है कि फ्रंट का जो सेल्फी कैमरा है उसमें 60 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल सकता है। साथ में IP68 रेटिंग के साथ भी यह फोन लॉन्च होने वाला है एंड इस फोन में अप टू 18GB रैम सपोर्ट के साथ इसे लॉन्च किया जाएगा। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ यह फोन लॉन्च होने वाला है। साथ में यह भी देखना रहेगा कि किस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है एंड ऑलरेडी Motorola के अलावा और भी काफी सारे स्मार्टफोन ब्रांड ने अनाउंस कर ही दिया है कि वो भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट पर फोन को लॉन्च करेंगे। अगली न्यूज की बात कर लूं तो वो Google की तरफ से निकल के आ रही है। Google हर साल के एंड में Google Play स्टोर पर कौन से बेस्ट एंड्रॉइड एप्स है, इसके अलावा कौन से गेमिंग एप्स है उसका लिस्ट जारी करता है एंड इस साल का भी अब इंड होने ही वाला है एंड फाइनली लिस्ट पारा गया है। इस साल का जो बेस्ट एंड्रॉइड ऐप है क्विस्ट को सिलेक्ट किया गया है एंड मैं गेमिंग एप्स की बात कर लूं तो इस साल का बेस्ट गेमिंग ऐप एपिक्स लीजेंड को सिलेक्ट किया गया है। पिछले साल BGMI को सिलेक्ट किया गया था लेकिन इस साल BGMI इंडिया में बैन है जिसके तौर पर एपिक्स लीजेंड सिलेक्ट हुआ है। इसके अलावा मैं ई कॉमर्स की बात कर लूं तो Flipkart का जो Shopsy है उसे सिलेक्ट किया गया है एंड Angry Birds Journey को बेस्ट यूजर चॉइस ऑफ द गेम का अवार्ड दिया गया है। तो आप एपिक्स लीजेंड खेलते हो कि नहीं यह नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड अगर BGMI इस साल बैन नहीं हुआ होता तो इस बार भी वह बाजी मार जाता। तो फाइनली दोस्तों आज का हमारा टेक न्यूज़ यहीं पर समाप्त होता है एंड आज की जितनी भी टेक न्यूज़ थी उसमें से कौन सा न्यूज आपको सबसे ज्यादा पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड आप लोग जानते हो कि इस चैनल का जो रीच है वो बहुत ही कम है
है। तो जो लोग भी वीडियोस को रेगुलर देखते हो भैया जरूर से लाइक कर दिया करो, क्योंकि अगर आप वीडियोस को लाइक करोगे तो इस वीडियो का जो इम्प्रेशन है वो और भी ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोग टेक न्यूज को देख पाएंगे। तो इस रिक्वेस्ट को आप जरूर से एक्सेप्ट कर लेना। साथ में जिन लोगों ने पिछले दिन का टेक न्यूज नहीं देखा है, मैं ऊपर कार्ड सेक्शन में दे रहा हूँ, आप लोग उसे भी जरूर जाके वॉच कर सकते हो। एंड जो लोग भी नए हो जो हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करे तो किस बात की देरी भाई, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नीचे अपना फीडबैक जरूर देना कि आज की टेक न्यूज आपको कैसी लगी, ठीक है। साथ में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो रेगुलर टेक वीडियोस देखते रहो, साथ में भाई को भी सपोर्ट करते रहो। तो इस टेक न्यूज में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेक न्यूज में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।